के किनारे खड़े होकर मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे में बिना कुछ देश के लिए पढ़े बिना प्रारंभ करने का मन नहीं है, तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि हम अपने मुल्क को जीवन की अपनी शान लिखेंगे। हम अपने मुल्क को इस पे भी वाह वाह करिए, जीवन की अपनी शान लिखेंगे। चांद लीजिए एक मिनट रुकना, हालांकि ये लोग सोच रहे हैं, इन्हें ऐसे लगता है जब खूबसूरत शायरा देशभक्ति की बात करती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई महिला पुलिस लाठी चार्ज कर रही हुई। मैं समझ सकती हूँ, आराम से ज्यादा अति उत्साह में ना है, गिर गिरा गए तो दिक्कत हो जाएगी, ठंड वैसे ही है तो। लेकिन उनकी शुरुआत एक बार होने दीजिए, वो आप तक श्रृंगार की ही बात करेंगी और अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचाएंगी, आपका मन उनको भरपूर मिले। मेरा मन है एक बार जोरदार ताली बजा करके आदेशित करें चांदनी जी के लिए। हम अपने मुल्क को जीवन की अपनी शान लिखेंगे, बहा देंगे लहू अपना उसे अभिमान लिखेंगे, और वतन के वास्ते हम गर्दनें अपनी कटा देंगे, वतन के वास्ते हम गर्दनें अपनी कटा देंगे, और अपनी जान को इस मुल्क पर कुर्बान लिखेंगे, और अपनी जान को इस मुल्क पे कुर्बान लिखेंगे। मैं अपने रंग में आती हूँ कि पहले जरूरियात की सूरत बदल गई, पहले जरूरियात की सूरत बदल गई, फिर उसके बाद उसकी मोहब्बत बदल गई। वाह, कि पहले जरूरियात की सूरत बदल गई, फिर उसके बाद उसकी मोहब्बत बदल गई। और कहता था तुझको देख के जीने की लत लगी, कहता था तुझको देख के जीने की लत लगी, अब कह रहा है क्या करूं फितरत बदल गई। क्या अब कह रहा है क्या करूं फितरत बदल गई, अब कह रहा है क्या करूं फितरत बदल गई। कि कभी वो अर्जी डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। चांदनी जी जी, आप पीछे नहीं सामने भी बहुत अच्छे लोग बैठे, इधर ही देख के काव्य पाठ करती हैं। अजब मुश्किल है दिल पे यूं तेरा तहरीर हो जाना, अजब मुश्किल है दिल पे यूं तेरा तहरीर हो जाना, कभी एक ख्वाब हो जाना कभी ताबीर हो जाना। क्या बात है, वाह 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 वाह। कभी एक ख्वाब हो जाना कभी ताबीर हो जाना, और शेर कुछ यूं कि भुला देती हूँ। बहुत शुक्रिया अफरोज साहब, डॉक्टर अफरोज आलम साहब सऊदी अरब से है मेरे मित्र हैं, स्वागत करती हूँ इस्तकबाल। शेर सुने कि भुला देती हूँ मैं सब कुछ मगर ये कैसा जादू है, भुला देती हूँ मैं सब कुछ मगर ये कैसा जादू है, तेरी तस्वीर के आगे मेरा तस्वीर हो जाना, तेरी तस्वीर के आगे मेरा तस्वीर के आगे मेरा तस्वीर हो जाना। डॉक्टर अनामिका जैन अंबर साहिबा के खूबसूरत और मोहब्बत भरे संचालन में मैं पढ़ रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो मोहब्बत भरी नजर से देख रहे हैं आप, इनसे भी बात करती रहे, रूबरू होती रहे। बेहद बेहद खूबसूरत है और उतनी ही खूबसूरत सीरत की भी मालिका है वो। शेर सुने, खला कहते हैं अंतरिक्ष को, एक खाली जगह को। यहाँ से मैंने एक शेर कहा है, उसे सुनिए कि मैं खुद को ढूंढते रहने की एक नाकाम कोशिश में, मैं खुद को ढूंढते रहने की एक नाकाम कोशिश में, खला का रोज एक चक्कर लगाकर लौट आती हूँ, खला का रोज एक चक्कर लगाकर लौट आती हूँ। और मैं ऐसा ख्वाब हूँ ताबीर जिसकी हो नहीं सकती, मैं ऐसा ख्वाब हूँ ताबीर जिसकी हो नहीं सकती, उसे मैं ख्वाब में ये सब बताकर लौट आती हूँ। कि किसे तलाश करूंगी किसे बुलाऊंगी। वाह, अनामिका जैन अंबर साहिबा को और मेरी तमाम बहनों को समर्पित करती हूँ। यहाँ पे जितनी बहनें बैठी है मातृशक्ति, मैं उन्हें समर्पित करती हूँ। मतलब सुने कि किसे तलाश करूंगी किसे बुलाऊंगी, खुद अपनी जंग लड़ूंगी तो जीत जाऊंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। कि किसे तलाश करूंगी किसे बुलाऊंगी, खुद अपनी जंग लड़ूंगी तो जीत जाऊंगी। वाह, शेर पिटियों की चटक गया है मेरे एतबार का शीशा, चटक गया है मेरे एतबार का शीशा, मगर इसी से नया आईना बनाऊंगी। वाह, मगर इसी से नया आईना बनाऊंगी, और फरेब खाके मैं हर बार यही कहती हूँ, फरेब खाके मैं हर बार यही
कहती हूँ कि अब की बार ना कोई फरेब खाऊंगी, कि अब की बार ना कोई फरेब खाऊंगी, कि इन अंधेरों में उजालों पे जो पहरा रखे मेरे बाद एक लंबी फेरिस्त है, एक मेरे सिलसिले मेरे हिस्से की एक आखिरी गजल, कि इन अंधेरों में उजालों पे जो पहरा रखे कोई उस शख्स से उम्मीद भला क्या रखे, कि इन अंधेरों में जो पहरा रखे कोई उस शख्स से उम्मीद भी फिर क्या रखे, और उसके चेहरे पे नहीं सजती है दुनियादारी, उसके चेहरे पे नहीं सजती है दुनियादारी, उससे कह दो वही मासूम सा चेहरा रखे, क्या बात है, वाह 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 वाह, कह दो वही मासूम सा चेहरा रखे, वाह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शायरी का माहौल आप सब ने दे दिया है, शेर पढ़ने की इजाजत, और आप सबकी बेपनाह खुलूस सर आंखों पे, कि उससे कह दो वही मासूम सा चेहरा रखे, और वो जो मौसम की तरह रोज बदल जाता है, वो जो मौसम की तरह रोज बदल जाता है, ऐसे हर जाई से फिर कैसी मोहब्बत रखे, ऐसे हर जाई से फिर कैसी मोहब्बत रखे, ऐसे हर जाई से। एक शेर की एक मतलब की जो कभी वो शंकर कैमूरी साहब चले गए, उनके ही एक शेर का जवाब था कि जो कभी सच का रवादार नहीं हो सकता, जो कभी सच का रवादार नहीं हो सकता वो कभी साहिबे किरदार नहीं हो सकता, कि जो कभी सच का रवादार नहीं हो सकता वो कभी साहिबे किरदार नहीं हो सकता, और शेर कि जिसने हर झूठ में पाला हो मोहब्बत का भरम, जिसने हर झूठ में पाला हो मोहब्बत का भरम वो कभी मेरा तलबगार नहीं हो सकता, वो कभी मेरा तलबगार नहीं हो सकता। और शेर सुनिएगा अनामिका, स्वागत है। एक लड़की ने मोहब्बत में लगा ली फांसी, एक लड़की ने मोहब्बत में लगा ली फांसी, जो ये कहती थी मुझे प्यार नहीं हो सकता, जो ये कहती थी मुझे प्यार नहीं हो सकता, जो ये कहती थी मुझे प्यार नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। करती हूँ कि मंजिल की ओर आखिरी रास्ता नहीं है तू, मंजिल की ओर आखिरी रास्ता नहीं है तू, दुनिया में तू जरूर है दुनिया नहीं है तू, कि मंजिल की ओर आखिरी रास्ता नहीं है तू, दुनिया में तू जरूर है दुनिया नहीं है तू, और ये इंतकाम इश्क जला देगा मुझे, ये इंतकाम इश्क जला देगा मुझे, दुनिया समझ गई है ये समझा नहीं है तू, दुनिया समझ गई है ये समझा नहीं है तू, और ऐसा नहीं कि इश्क मैसर नहीं मुझे, ऐसा नहीं कि इश्क मैसर नहीं मुझे, लेकिन मेरे नसीब में लिखा नहीं है तू, लेकिन मेरे नसीब में लिखा नहीं है तू, लेकिन मेरे नसीब में मुझे तलाश थी जिसकी वही कभी ना मिली, मुझे तलाश थी जिसकी वही कभी ना मिली, हर एक चीज मिली एक जिंदगी ना मिली, कितनी तलाश मिली एक जिंदगी ना मिली, हर एक चीज मिली एक जिंदगी ना मिली, और तेरी तलाश में पैरों में पड़ गए छाले, तेरी तलाश में पैरों में पड़ गए छाले, मगर मंजिले मकसूद तू कभी ना मिली, मगर मंजिले मकसूद तू कभी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तवज्जो आप सबकी मुझे आ रही है, आपके चेहरे बता रहे हैं, मैं पढ़ती हूँ कि मगर है मंजिले मकसूद और खुशी से दोस्ती मेरी भी थी मगर एक दिन, खुशी से दोस्ती मेरी भी थी मगर एक दिन, खफा हुई वो कुछ ऐसे कि फिर कभी ना मिली, खफा हुई वो कुछ ऐसे कि फिर कभी ना मिली। और शेर सुने, सुनिए मैं शेर पढ़ती हूँ, कि वो जिस चराग के दम से मकान रोशन था, वो जिस चराग के दम से मकान रोशन था, उसी चराग को खुद अपनी रोशनी ना मिली, उसी चराग को खुद अपनी रोशनी ना मिली, उसी चराग को खुद। और एक लफ्ज लिया है हिजरत, मेरे भाई मेरी बहनें जानती हैं जुदाई को कहते हैं, कि तुम्हारी हिजर में ऐसा भी वक्त गुजरा है,
तुम्हारी हिजर में ऐसा भी वक्त गुजरा है, बदन टटोल के देखा तो नब्ज ही न मिली, बदन टटोल के देखा तो नब्ज ही न मिली। और ये जिस्म है कि फकत शोर गुल है सांसों का, वाह, ये जिस्म है कि फकत शोर गुल है सांसों का, ये आँख है कि कोई ख्वाब देखती न मिली, ये आँख है कि कोई ख्वाब देखती न मिली। और उसे 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 मुझे न मिल सका सूरज तेरे मुकद्दर का, मुझे न मिल सका सूरज तेरे मुकद्दर का, तेरा नसीब तुझे मेरी चांदनी न मिली, तेरा नसीब तुझे मेरी चांदनी न मिली। अच्छी बात कही है